हिंदू धर्म में नवरात्रि को बेहद ही खास पर्व माना गया है। वहीं चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है। इन 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान सभी 9 देवियों की पूजा और व्रत करने से साधक को मनचाहा फल भी मिलता है। हालांकि नवरात्रि के दौरान कई कामों को करने की मनाही भी होती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इन कामों को करता है तो उसे नवरात्रि का पूरा फल नहीं मिलता। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के दौरान आपको लेदर से बनी चीजें जैसे बेल्ट, पर्स, जूते इत्यादि ना खरीदें और ना ही इनका इस्तेमाल करें। ये काफी अशुभ माने गए हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करें, इसलिए इस दौरान गलती से भी शराब और मांस का सेवन ना करें। अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो इससे माँ दुर्गा नाराज होंगी। नवरात्रि के दौरान घर और घर के आसपास गंदगी न होने दें। जिस घर में गंदगी होती है माँ का प्रवेश वहाँ नहीं होता। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि उत्सव के दौरान गुस्सा करना, अपशब्द या झूठ बोलने से बचें। ये गलतियाँ आप पर भारी पड़ सकती हैं, इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। नवरात्रि के दौरान भक्तों को अपने बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे माँ रुष्ट होंगी। अगर आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो चाय, दूध, कॉफी आदि का सेवन कर सकते हैं। साथ ही आप अपने बाल को भी धो सकते हैं। वह नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन ही करें। पूजा पाठ के साथ साथ दान पुण्य का कार्य भी करना उत्तम माना गया है। इस दौरान सुबह शाम विधि विधान से माँ दुर्गा के सभी रूपों की पूजा करें। नवरात्रि के दौरान दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या सुने जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।